राकिन के बाद हुआ था राकिन की फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट की ऑफ मार्च और ट्वेंटी हो गया और इतफाक देखे बेटी के बाद हुए नहीं नहीं बेटी बाद में हुई तो हसन की अम्मी उसी दिन सुबह मेरी नंद का बेटा हुआ तो शी फ्लू टू दुबई उसी दिन सुबह और रात में हसन का ये सीन हो गया फिर ओके okay, हाँ एक हसन ने तो अपनी स्टोरी हाँ, सुनाई <laughs> बहुत मुश्किल टाइम था लेकिन हसन के लिए ज़्यादा मुश्किल टाइम था क्यों क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे हाँ। मतलब मैंने उसी वक्त हसन के सारे दोस्त जो थे वो मेरे भी दोस्त हैं फोन किया विद इन फाइव मिनट्स वो एक पूरी पलटून उनकी मौजूद थी घर पे और एवरी डे बिला नागा पहले एक हफ्ता तो कोई ऑफिस भी नहीं गया सब ए आर वाई के हैं उन्होंने छुट्टी की एक हफ्ता आते रहे सुबह से रात तक मच्छरों में बाहर लॉन में बैठे रहते थे और बैठे रहते थे एज अ सपोर्ट मतलब ओब्वियसली वो और कुछ तो कर नहीं सकते थे ज्यादा ज़्यादा हम सी पी एल सी वालों के पास जाते थे खैर फिर एक हफ्ते के बाद वो लोग ऑफिस से वापस आते थे तो मैं पूरा दिन बिजी रहती थी अच्छा भाई वो आ रहे हैं ऑफ़िस से आ रहे हैं अब उन्होंने खाना भी खाना है तो नो खाना भी लगवाना है और हसन की अम्मी चूंकि उधर थी हमने उनको कहा था कि आपके आने से हसन ने अपने टाइम पे ही आना है ना तो सारा को ज़्यादा ज़रूरत है उसका भी बेबी हुआ है बच्चे बीमार हो गए दूसरे दो क्योंकि उसका तीसरा बेबी था तो मैंने कहा आप उधर रुकें आप थोड़े दिनों के बाद आएँ वो एक हफ्ते के बाद फिर आए तो हम पूरा दिन छी पी एल सी जाना घर पर आना फिर बैठ कर डिस्कशन करना कभी वो किडनेपर्स का फ़ोन आ जाना क्योंकि हसन ने मेरा नंबर दिया उन्होंने जब हसन को किडनीप किया तो वो पूछते हैं न कि आप किस बात करेंगे अपनी माँ को फ़ोन मिलाएं किस क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी फीमेल से बात करें यू नो सेंसिटिव होती हैं इमोशनल हो जाती हैं तो हसन ने कहा मेरी वाइफ से बात करें खैर तो वो फिर मुझे ही फ़ोन आता था तो वो डीलिंग जो है वो मेरे से चलती थी बड़ा मुश्किल टाइम था लेकिन कट गया पता नहीं कैसे कटा थर्टी फाइव डेज़ अब सोचते हैं तो ऐसा लगता है थर्टी फाइव डेज़ कैसे गुजरे कैसे गुजर गए कुछ समझ नहीं आया खैर वो नगोसिएशन चलती रहीं चलती रहीं चलती रहीं और फाइनली एक दिन उन्होंने कहा कि अब आप पैसे लेकर आ जाएं पैसे लेकर आए तो हम चले गए देने मैं मैं नहीं गई मतलब उनको नहीं पता था मैं कौन हूँ तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपना मुंह कवर करती हूँ मैं बुरखा पहनती हूँ तो उन्होंने कहा अपने कज़न को भेज दो खैर वो हमारा दोस्त दानिश ख्वाजा वो लेकर गया इतनी देर में सी पी एल सी वाले साथ थे पुलिस एज़ यूजल हमारी थोड़ी सी लेट हो गई आ, लेकिन सी पी एल सी वाले साथ थे उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा डे वन से और बहुत अच्छे लोग हैं और ये सब सिविलियन लोग होते हैं सी वाले जिनके अपने बिजनेसेस होते हैं लेकिन वो एज वॉल्टियर काम कर रहे होते हैं एंड दे ऑल्सो हैव लाइसेंस टू कैरी गन्स तो खैर वो पैसे लेकर गए और वो जो बंदा जो आया हुआ था पैसे लेने उसके साथ एक और बंदा भी था जो आगे छुपा हुआ था जैसे ही वो बैग लेके मुड़ा वो सी सी वाले पीछे से भागे जब ये लोग भागे तो वो सामने वाले बंदे ने देख लिया तो उस बंदे ने फायर किया फायर किया तो यहाँ से सी पी एल सी वालों ने भी फायर किया फायर किया तो उस बंदे की टांग पे गोली लग गई तो वो गिर गया खैर वो बैग भी हमें वापस मिल गया उस बंदे को पकड़ा इतनी देर में पुलिस आई पुलिस ने किसी तरीके से ढूंढा कि कौन है बंदा एक्स ए एस आई था वो उसने उसके घर पे छापा मारा उसकी वाइफ को पकड़ा उसके बेटा नौ साल का उसको पकड़ा उसके माँ बाप को पकड़ा उसका भाई और उसकी बहन भी घर पे थे कोई नौ लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और फिर उन उसकी वाइफ को बोला कि तुम अपने शौहर को बोलो वो खुद हैदराबाद में था उस टाइम कि हसन नाम के बंदे जिसको किडनैप किया हुआ उसको छोड़े उसको छोड़ा सुबह में फ़ाइनली कोई वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी क्योंकि वो उस रात हमें ऐसा लगा कि वो बंदा तो भाग गया जिसने आगे से फायर किया था वो बंदा भाग गया उसने जाके उसको बताया होगा कि ऐसा ऐसा हुआ है वो हसन को मार देंगे और हमें उस वक्त सी सी वाले या पुलिस वाले कुछ नहीं बता रहे थे हम फ़ोन कर रहे थे वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे अब ये सुबह के छः बजे तक ये कहानी चलती रही और हम सब सिर्फ इस इंतज़ार में थे अब क्या न्यूज़ आएगी तो वो रात बहुत मुश्किल थी खैर फाइनली सुबह आठ बजे हसन आ गया घर पे उन्होंने वहाँ से हसन को छोड़ दिया और उसने कहा कि अब हमारी फैमिली को तुम छोड़ो हम हसन को छोड़ रहे हैं तो बेसिकली एक्सचेंज एक्सचेंज हुआ ये फिर उसकी फैमिली को छोड़ा और हसन आ गया और वो टाइम जो था वह हसन मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुका था ज़ाहिर सी बात है थर्टी फाइव डेज़ डरा कर रखना और एक छोटे से कमरे में प्रॉपर टॉयलेट नहीं था दांत नहीं ब्रश किए हुए थे फॉर थर्टी फाइव डेज तो खैर मेंटली ही वॉज वेरी अपसेट और इमोशनली मेंटली टॉर्चर है आप अपनी फैमिली से दूर हैं और आपको कल का ही पता नहीं अगले लमेगा नहीं पता हसन ने मुझे कहा हसन ने जब अपनी साइड की स्टोरी सुनाई तो हसन ने कहा जिस टाइम पे वो आया बंदा मुझे ये कहने कि उस बंद के पुलिस ने मेरी फैमिली को पकड़ लिया है और तुम जाओ और उनको बोलो मेरी फैमिली को छोड़ छोड़े तो हसन समझा कि ये झूठ बोल रहा है ये मुझे कहीं ले जा कर ना मार के किसी नाले वाले में फेंक देंगे हसन को नहीं यकीन आया लेकिन जब उन्होंने हसन को किसी टैक्सी में बिठाया उन्होंने कहा तुम यहाँ से घर जाओ तो जब हसन घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा तो हसन ने कहा मैं तो वाकई घर आ गया हूँ मैं तो जिंदा हूँ बहरहाल हसन उस टाइम पे बहुत शॉक था और बहुत डरा हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत डरा कर भेजा था कि अगर तुमने कुछ भी बताया कुछ भी हुआ तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे तो ही वॉज वेरी वेरी स्कैड वो भी टाइम पीरियड एक था है ना पूरा महीना लगा हसन जैसा बंदा जो एवरी डे दोस्तों के साथ बाहर सुबह तीन बजे घर पे आ रहा है उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया मगर फ्रेंड्स इतने सपोर्टिव थे कि वो रोज़ हमारे घर पे आते थे और हसन के साथ होते थे रात में बारह एक एक बजे तक बैठे हैं गप्पे लगा रहे हैं और फाइनली आहिस्ता आहिस्ता हसन वापस अपने उस जोन में आया